गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मसल्स, स्केलेटल मसल्स के बारे में, लाइट बैंड और डार्क बैंड के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि मसल्स जो है वो स्केलेटल मसल्स जो है उसमें दो तरह का बैंड होता है, लाइट बैंड और डार्क बैंड। जहाँ पे डार्क बैंड जो होता है उसमें दो लेस डार्क एरिया होता है दोनों साइड से, जिसको हम लोग जो है वो अलग नाम से जानते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एच जोन। लेकिन उसी के बीच में एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं एम लाइन, और लाइट जोन जो होता है, लाइट या लाइट एरिया जो है, लाइट बैंड जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक डार्क जोन होता है जिसको बोलते हैं क्या, जेड लाइन, है ना। तो आज हम लोग जो है इसी लाइट बैंड और डार्क बैंड के बीच डिफरेंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं ए बैंड और दूसरे को बोलते हैं क्या, आई बैंड। तो आई बैंड किसको बोलते हैं, आई बैंड हम लोग बोलते हैं लाइट बैंड को। लाइट बैंड ऑल्सो नोन एज आई बैंड, एंड ए बैंड इसको बोलते हैं डार्क बैंड। डार्क बैंड ऑल्सो नोन एज ए बैंड, ठीक है। हम लोग देखते हैं, चूंकि इसमें जो है वो एक जैसा नहीं होता, इसीलिए कैसा होता है, ये एन आइसोट्रॉपिक। बट आई बैंड जो होता है वो एक जैसा होता है, इसीलिए बोलते हैं क्या, इसको आइसोट्रॉपिक। यहाँ पे जो एरिया रहेगा वो एक जैसा रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कुछ डार्क एरिया में कुछ लाइट एरिया भी मिलता है। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है एच और एम लाइन भी मिलता है, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इट हैज वाइड वाइड एच बैंड, ठीक है। इसके पास जो है वाइड एच जोन भी होता है या बैंड भी होता है, जोन जोन ही लिखते हैं। एंड एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं क्या, एंड एम लाइन। लेकिन लाइट बैंड में हम लोग देखते हैं कि इट हैज ओनली जेड लाइन। क्या देखते हैं कि इट हैज ओनली जेड लाइन, सिर्फ जेड लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग और क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों में, तो ये जो है मायोसिन फिलामेंट से और उसके एंड पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट से बनाता है, है ना। तो इट हैज इसके पास जो है अगर हम लोग देखें तो क्या मिलता है, इट हैज मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट एंड पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। इसमें जो है मायोसिन फिलामेंट होता है और पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट होता है, लेकिन आप देखोगे कि इट हैज ओनली एक्टिन फिलामेंट, लेकिन इसके पास इट हैज ओनली एक्टिन फिलामेंट। क्यों, क्योंकि ये डार्क बैंड इसमें होता ही नहीं है, लाइट बैंड है, और लाइट बैंड होने के कारण सिर्फ एक्टिन फिलामेंट इसमें होता है। इसमें लाइट और डार्क दोनों है, इसीलिए इसमें जो है वो मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रेजेंट होता है। हम लोग देखते हैं लेंथ डू नॉट चेंज ड्यूरिंग
मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन में इसमें कोई लेंथ में इसका चेंजेज नहीं होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि शॉर्टनेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों बेंड के बीच में ये कुछ डिफरेंसेस मिलता है। क्या क्या डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि डार्क बेंड जो होता है उसको ए बेंड के नाम से जानता है, या ए बेंड को ही हम लोग डार्क बेंड बोलते हैं, लाइट बेंड को आई बेंड बोलते हैं। ए बेंड जो डार्क बेंड है वो एनआइसोट्रॉपिक है, बट लाइट बेंड जो आइसोट्रॉपिक है, इसमें दो लाइन हम लोग जो है डायग्राम भी देखे थे, तो जेड और एम लाइन होता है, जेड जोन और एम लाइन। जेड जोन किसको बोले थे, तो लेस डार्क एरिया को, और एम लाइन वहाँ पे बीच में एक लाइन होता है जिसको एम लाइन बोले थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इट हैज मायोसिन फिलामेंट एंड पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, इसमें जो है मायोसिन फिलामेंट मिलेगा, यानी कि जो डार्क बेंड होता है मसल्स का वो बना होता है मायोसिन फिलामेंट से और एक्टिन फिलामेंट के पार्ट से, बट लाइट बेंड जो होता है वो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट से बना होता है। हम लोग देखते हैं लेंथ डू नॉट चेंज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्यों नहीं चेंज करता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो लाइट बेंड जो है वो साइड से वो शॉर्ट हो जाएगा, बट डार्क बेंड जो है वो जो का त्यों रहता है, लाइट बेंड ऐसे स्लाइड करता है। ठीक है, तो इसके कारण से जो है इसमें मसल्स में कोई चेंजेज नहीं होता है, है ना। अब हम लोग जो है वो डिफरेंस देखेंगे फिर से एक और टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। ओके, तो ये था लाइट बेंड और डार्क बेंड। ठीक है, हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है वो मायोफिलामेंट जो होता है वो कैसे कितने तरह का होता है, तो मायोफिलामेंट हम लोग जो है देखें, मायोफिलामेंट ये मायोफिलामेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, मायोफिलामेंट कितने तरह का, दो तरह का। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट को बोलते हैं थिक फिलामेंट, फिलामेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है क्या, थिन फिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट, और दूसरा जो होता है वो थिन मायोफिलामेंट। ठीक है, थिक मायोफिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट दो तरह का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये थिन मायोफिलामेंट है वो मेड अप ऑफ मायोसिन, मेड ऑफ किससे बनाता है, मायोसिन से। ठीक है, लेकिन जो थिन मायोफिलामेंट है वो किससे बनता है, मेड ऑफ एक्टिन, मेड ऑफ एक्टिन, किससे बनता है, एक्टिन से। ठीक, दूसरा जो है वो ये क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक फिलामेंट जो है वो थिकर के साथ साथ लॉन्गर भी होता है, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये थिकर भी होता है, मोटा भी होता है, थिकर एंड दूसरा क्या है, लॉन्गर, है ना, थिकर एंड लॉन्गर। बट मायोफिलामेंट जो होता है वो थिन एंड शॉर्टर, ये जो है कैसा होता है, थिन एंड शॉर्टर। ठीक है, थिन एंड शॉर्टर। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि
इसमें जो है वो थिक जो मायोसिन से बना होता है, इसमें ओनली इन ए बैंड है ना। और लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि ये मायोसिन ओनली किसमें मिलेगा, ओनली इन ए बैंड यानी कि ए बैंड यानी कि किसमें, डार्क बैंड में, सिर्फ किसमें मिलेगा, डार्क बैंड में। लेकिन जो एक्टिन फिलामेंट है जिसको थिन मायोफिलामेंट बोलते हैं, तो फाउंड इन बोथ दोनों में मिलता है ना, आई बैंड एंड ए बैंड दोनों में मिलता है, कौन, थिन मायोफिलामेंट। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो ये होता है थिक फिलामेंट या मायोसिन, ये फ्री एट बोथ एंड है ना, फ्री एट बोथ एंड, ठीक है, ये फ्री होता है दोनों साइड में, बट वन इसमें हम लोग देखेंगे वन एंड फ्री एंड अनदर ज्वाइन विथ जेड लाइन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि वन एंड फ्री बट अनदर ज्वाइंड विथ जेड लाइन, ठीक है, किससे ज्वाइन कर जाता है, जेड लाइन से, इसीलिए हम लोग हाफ हाफ दिखवाते हैं लाइट बैंड में, हाफ जेड लाइन करके, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसमें कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, डू नॉट स्लाइड कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, बट है ना इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग भी होता है और ये शॉर्ट भी होता है, तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या, स्लाइड्स, ये स्लाइड्स करेगा, ठीक है। ये कुछ पांच डिफरेंस देखे है ना किसके किसके बीच, तो ये हम लोग देखें थिक और थिक मायोफिलामेंट, यानी मायोफिलामेंट जो है वो दो तरह का होता है ना, और ये दोनों के बीच जो है हम लोग डिफरेंस को देख रहे हैं। और हम लोग और क्या डिफरेंस देख सकते हैं, तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि जो थिक फिलामेंट होता है वो कुछ ही नंबर में होता है, फ्यूअर इन नंबर है ना, या फ्यू इन नंबर इसकी संख्या ज़्यादा नहीं होती है, फ्यू इन नंबर, बट हम लोग देखते हैं कि मोर इन नंबर थिन मिला फिलामेंट जिसको एक्टिन बोलते हैं है ना, मोर इन नंबर इसकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। और हम लोग क्या डिफरेंस देखे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्रॉस ब्रिज एंड प्रेजेंट, इसमें जो है क्रॉस ब्रिज होता है ना, और ये जो है रफ सरफेस को प्रेजेंट करता है ना, तो हैविंग रफ सरफेस, बट इसमें हम लोग देखते हैं कि हैविंग स्मूथ सरफेस, हम लोग देखते हैं क्या, हैविंग रफ सरफेस, और इसमें क्या देखते हैं कि हैविंग स्मूथ सरफेस, ये क्रॉस ब्रिज करता है, इसीलिए इसका जो है क्रॉसेस होता है इसमें, इसीलिए इसका स्किन जो है सॉरी सरफेस जो है वो रफ हो जाता है, और इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसका जो है वो स्मूथ रहता है। तो हम लोग जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो लाइट बैंड और डार्क बैंड मसल्स होता है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बना होता है, ये दोनों मायोफिलामेंट है, और मायोफिलामेंट ही दो प्रकार का होता है ना, एक होता है थिक और एक होता है थिन। तो थिक फिलामेंट को जो मोटा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मायोसिन, जो क्या करता है डार्क बैंड को बनाता है, और थिन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिन फिलामेंट, जो क्या करता है लाइट बैंड को बनाता है। हम लोग देखें लाइट बैंड को किस नाम से जानते हैं, तो लाइट बैंड को आई बैंड के नाम से जानते हैं, और डार्क बैंड को हम लोग ए बैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसी के बीच हम लोग जो है डिफरेंस देखें कि ए बैंड जो है
वो सिर्फ मायोफिलामेंट से बना होता है, मतलब ठीक मायोफिलामेंट जो है वो सिर्फ आपको डार्क बैंड में मिलेगा, बट डार्क बैंड में जो है वो हम लोग देखते हैं कि एक्टिन फिलामेंट होता है, इसीलिए हम लोग देखें कि एक्टिन फिलामेंट जो है दोनों में पाया जाता है, बट लाइट बैंड में कभी जो है मायोफिलामेंट नहीं दिखेगा। हम लोग देखते हैं कि इसका जो मायोफिलामेंट है उसका दोनों एंड फ्री रहता है ना, थिक वाला का ठीक, लेकिन जो थिन वाला मायोफिलामेंट है एक्टिन जो है उसका एक एंड जो है वो जेट लाइन से जुड़ा हुआ होता है, उसका सरफेस भी कैसा होता है, स्मूथ होता है, बट इसका जो है क्रॉस ब्रिज शो करता है, इसीलिए इसका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है ठीक है। तो ये था मायोफिलामेंट का दो टाइप और दोनों के बीच डिफरेंस। ओके, अब हम लोग इसी में देखेंगे और कुछ, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मायोसिन कॉल्ड मेरो मायोसिन, इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि मोनोमेरिक यूनिट मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मायोसिन किसका, अगर एक यूनिट रहे किसका, मायोसिन यानी थिक मायोफिलामेंट का, मायोसिन आर कॉल्ड मेरो मायोसिन इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेरो मायोसिन के नाम से जानते हैं। मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मायोसिन जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेरो मायोसिन के नाम से जानते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इट हैज टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसे होता है, तो इट हैज टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। टेडपोल आप लोग नाम सुने होंगे पहले है ना, एम्फीबिया क्लास में ठीक है, तो मेढक का जो लार्वा होता है ठीक है, मेढक के लार्वा को हम लोग बोलते हैं क्या, टेडपोल। और टेडपोल में हम लोग क्या देखते हैं कि उसका एक मुंडी जैसा ये स्ट्रक्चर होगा, हेड जैसा, और ये इस तरह से निकला हुआ रहता है ठीक है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाता है कौन, सिंगल मायोसिन यानी सिंगल थिक मायोफिलामेंट ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोले इसको क्या, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेडपोल लाइक होता है ना। और हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है ये मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल हेवी चेन है ना, हम लोग देखते हैं कि ये जो है बना हुआ होता है मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल ये जो बना होता है वो दो आइडेंटिकल हेवी चेन है ना, टू आइडेंटिकल हेवी चेन एंड फोर लाइट चेन यानी कि मेरो मायोसिन है ना, मोनोमेरिक ऑफ मायोसिन जो बना होता है उसमें दो आइडेंटिकल हेवी चेन होता है और फोर जो है लाइट चेन यानी दो डार्क चेन और एक लाइट चेन होता है ठीक है। और उससे जो है वो बना हुआ होता है कौन, तो उससे बना हुआ होता है
मेरोमायोसिन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी के बारे में हम लोग देख रहे थे कि मेरोमायोसिन किसको बोलते हैं। हम लोग बोले कि मोनोमर ऑफ किसका, मोनोमर ऑफ मायोसिन मेरोमायोसिन कहलाता है। और एक मोनोमर मायोसिन का जो बनता है वो दो हेवी चेन से और चार जो है वो लाइट चेन से। ओके, अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये जो मेरोमायोसिन है इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसा देखे थे, टेडपोल लाइक, है ना। मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देखे थे टेडपोल लाइक, और टेडपोल में दो ही पार्ट होता है, हेड एंड टेल। ठीक है, टेडपोल में जो है वो दो ही पार्ट होता है, एक को बोलते हम लोग क्या, हेड, और एक को बोलते टेल। तो हम लोग इसमें भी देखेंगे कि ये जो मेरोमायोसिन है इसमें दो पार्ट होगा, एक होगा क्या, हेड, और एक होगा टेल। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हेड रीजन है ना, हेड रीजन, ये यहाँ पे रहता है क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन हैज एक्टिव एटीपी एज एंजाइम, है ना। यहाँ तो क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना, इसके पास क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, है ना। और क्या होता हैज, और क्या होता हैज एक्टिव एटीपी एज, ठीक है, एक्टिव एटीपी एज एंजाइम, एटीपी एज है तो ये क्या है, एंजाइम है, है ना, एक्टिव एटीपी एज एंजाइम होता है इसके पास। और हम लोग देखते हैं क्या, किसके पास, हैज बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन बाइंडिंग साइट, या इसके पास जो हैज एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट। हम लोग देखते हैं क्या कि इट हैज एटीपी बाइंडिंग साइट एंड दूसरा जो होता है वो किसका बाइंडिंग साइट होता है, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, इसके पास जो है एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, व्हेन प्रोजेक्टेड इट फ्रॉम फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज, है ना, कब ये बाइंडिंग साइट काम करता है, तो व्हेन जब ये प्रोजेक्ट करता है, है ना, व्हेन प्रोजेक्टेड इट, व्हेन प्रोजेक्टेड इट फॉर्म्स, किस लिए, तो फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज, है ना, क्रॉस। हम लोग देखे थे कि इसी क्रॉस ब्रिज के कारण जो है वो इसमें क्या होता है, इसका सरफेस जो होता है वो रफ होता है, और ये क्रॉस ब्रिज करता है उस टाइम इसके पास जो है एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, तभी एक्टिन से बना होता है क्या, उससे बना होता है मायोसिन फिलामेंट, सॉरी एक्टिन फिलामेंट, जो कि क्या होता है वो स्लाइड करता है, और इसी कारण इसका साइज जो है वो बढ़ता, मतलब ज्यों का त्यों रह जाता है मायोसिन का, है ना। दूसरा जो है टेल, ये बनता है दो हेवी, है ना, कि हम लोग क्या देखे थे कि ये बनता है क्या, दो हेवी चेन से, है ना, मेड अप ऑफ हेवी चेन एंड स्पाइरली क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो बना होता है टू आइडेंटिकल हेवी चेन से, है ना, टेल जो है बना होता है किससे, टू आइडेंटिकल, हम लोग देखते हैं एट मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल हेवी चेन। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं टू एच एम एम। ठीक है, टू आइडेंटिकल हेवी चेन से बनता है, है ना, अस्पायर, और ये कैसा रहता है, अस्पायरली क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर, है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि एट अस्पायरली,
है ना, ये जो है स्पाइरल फॉर्म में रहता है। हम लोग देखते हैं कि इट स्पाइरली क्वाइल्ड ओवर, स्पाइरली क्वाइल्ड ओवर ईच अदर, ठीक है, ये अपने में जो है एक दूसरे के ऊपर क्वाइल किया हुआ रहता है। कौन? मायोसिन का टेल और मायोसिन का हेड। तो मायोसिन का हेड जो है वो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? ग्लोबुलर प्रोटीन मिलेगा। और हम लोग क्या देखें कि इसके पास जो एटीपीएज एंजाइम होता है, है ना, और जो कि हम लोग देखते हैं कि इसके पास जो है एटीपी बाइंड करने का साइट होता है और एक्टिन बाइंड करने का साइट होता है। कब? जब ये प्रोजेक्ट करता है एक दूसरे के ऊपर, तब, जब ये क्रॉस ब्रिज बनाता है तब। लेकिन टेल हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो मेडअप रहता है टू आइडेंटिकल हेवी चेन से, और ये टेल रीजन जो है ये हेवी चेन आपस में क्या क्या रहता है, एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मायोसिन। अब हम लोग देखेंगे थिन मायोफिलामेंट, है ना, जिसके पास एक्टिन ट्रोपोमायोसिन होता है और ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। ये था क्या हमारा थिक मोनोमर ऑफ थिक मायोफिलामेंट या मोनोमर यूनिट ऑफ मायोसिन, जिसको हम लोग बोले थे क्या, मेरो मायोसिन। अब हम लोग देखते हैं थिन मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो थिन मायोफिलामेंट होता है, हम लोग देखते हैं कि इट हैज एक्टिन, हम लोग देखते हैं क्या कि इट हैज एक्टिन, इसके पास जो है वो क्या होता है, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, एंड और क्या होता है, एंड ट्रोपोनिन ये दोनों पाया जाता है, ठीक है, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन जो पार्ट है ये lie on the top active site of actin filament, lie on top, है ना, lie on top, ये ऊपर की ओर होगा, टॉप पे होगा, ठीक है, lie on top of active site of actin filament, of actin मायोफिलामेंट, का जो एक्टिव साइट होगा टॉप पे, वहाँ पे आपको दिखेगा, पाया जाता है क्या, ट्रोपोमायोसिन, है ना। और ट्रोपोनिन, जो होता है दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो हम लोग देखें इसमें क्या होता है, ट्रोपोनिन, ये क्या होता है, तो ट्रोपोनिन हम लोग देखते हैं कि बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन, है ना, ये जो है किससे, ट्रोपोमायोसिन के साथ ही बाइंड करता है, एंड हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटीज विथ फॉर कैल्शियम आयन, है ना। हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है, बाइंड करता है किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ। तो हम लोग देखते हैं कि बाइंड विथ, ये क्या करेगा, बाइंड विथ मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है, बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन, है ना, ये जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ ही बाइंड कर जाता है। और इसके पास इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटीज फॉर कैल्शियम आयन, इट हैज स्ट्रॉन्ग
एफिनिटीज फॉर कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि थिन मायोफिलामेंट जो है ये क्या है, तो हम लोग देखें कि इट हैज एक्टिन ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोमायोसिन जो है वो थिन मायोफिलामेंट के ऊपर में टॉप पे जो एक्टिव साइट होता है, काफ़ी एक्टिव होगा वो एरिया, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और ट्रोपोनिन जो इसी ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा और इसका स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है कैल्शियम आयन के साथ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। वैसे अगर हम लोग देखें कि मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल, ये सब हम लोग देखेंगे कि मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स क्या होता है ये सब के बारे में। बट स्केलेटल मसल्स में हम लोग मायो फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ये सब के बारे में देखें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।